उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में विश्व होम्योफिलिया दिवस पर बांटे प्रमाण पत्र। आपको बताते चले, जिला चिकित्सालय के सभागार में विश्व होम्योफिलिया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जीवन रेखा होम्योफिलिया जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रेखा रानी ने कहा कि 17 अप्रैल को विश्व होम्योफिलिया दिवस मनाया जाता है, किसी कारण 17 अप्रैल को नहीं मनाया जा सका। आज 19 अप्रैल को यह दिवस हम मना रहे हैं और जो होम्योफिलिया के मरीज हैं उनको प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। हमारे पास वर्तमान समय में जिले में 250 होम्योफिलिया के मरीज हैं। मेरा नाम रेखा रानी है, मैं जीवन रेखा होम्योफिलिया जन कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ। आज कार्यक्रम 17 अप्रैल वर्ल्ड होम्योफिलिया दिवस जो मनाया जाता है, तो किसी कारणवश वो प्रोग्राम हम आज 19 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योफिलिया दिवस मना रहे हैं, जिसमें कुछ मरीजों के दिव्यांग प्रमाण पत्र जो हमने पहले बनवाए थे उनको, उन सब मरीजों को बांटे जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हीमोफीलिया से जितने भी हीमोफीलिया पेशेंट हो उनको पीड़ा मुक्त रहे, उनके लिए हीमोफीलिया मरीजों के लिए जो प्रमाण पत्र बटे हैं उनको उसका लाभ मिले। आज हीमोफीलिया दिवस पे मेरे पास 250 मरीज हैं, तो इस समय सारे लोग मौजूद हैं और इस पर्पज से ये हमने सारे पेशेंट को बुलाया है। मरीजों को लेकर कुछ समस्याएं यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पे जो फैक्टर है इंजेक्शन जिन मरीजों के लिए लगता है वो समय पे फिलहाल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि जो डिमांड यहाँ से करी जाती है लगभग अगर 1000 मरीज, हमारे पास जो 250 मरीज हैं, तो हम उसके उस हिसाब से 1000 मरीजों के लिए वायल की डिमांड जब करते हैं 1000 वायल की, तो उसमें से हमारे पास 250 या 300 वायल ही मरीजों के लिए आ पाती हैं, और जिसमें समय पर तो मरीज को फैक्टर नहीं मिलता है तो मरीज को जान का खतरा बना रहता है। तो हमारी तो यही है कि जल्द से जल्द जो मरीजों को जो फैक्टर की समस्या हो रही है वो पूरी फुल उनके लिए डोज मिलनी चाहिए, और जितनी डिमांड करी जाती है सरकार से उतनी मरीज को फैसिलिटी पूरी मिलना चाहिए।